बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फोर्थ लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री सेकेंड ईयर। एंड इन द प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट द फंक्शनल ग्रुप्स, व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इट। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट। इन द प्रीवियस क्लास, लेट मी शो यू द स्लाइड। इन द प्रीवियस क्लास एक्चुअली वी डिस्कस्ड अबाउट दिस अल्केन्स एंड अल्कीन्स, एंड वी जस्ट डिस्कस व्हाट आर अल्केन्स, व्हाट इज अल्कीन, एंड आई थिंक वी हैव डिस्कस अबाउट आर ऑल्सो, दैट व्हाट इज आर, इट इज़ अल्काइल रेडिकल। एक्चुअली अल्काइल रेडिकल मीन के अल्केन्स में से हमने जो आपके पास अल्केन्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने अल्केन का फार्मूला है, अल्केन्स में से अगर हम एच माइनस कर दें, एक एच, जस्ट वन H माइनस कर दें अल्केन्स में से, तो ये जो पीछे चीज़ बचती है इसको अल्काइल कहते हैं। ठीक है, अल्काइल रेडिकल होता है। जैसे मीथेन से मैंने आपको बताया था कि मीथेन का फार्मूला अगर CH4 हो तो इससे आप लोग क्या बनाएंगे, मीथेन से आपके पास बनेगा, मीथेन से एक H माइनस करोगे तो मिथाइल, इथेन से इथाइल एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कौन कौन सी चीज़ें, अल्केन्स, अल्कीन्स, ये दो और एक R। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे अल्कीन्स से। अच्छा, अल्केन्स और अल्काइन्स, अल्केन्स और अल्कीन्स की तरह ही अल्काइन्स हैं, बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपके पास यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आता है। जैसे अल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड आता है, इसी तरह इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आता है, और इसका जनरल फार्मूला हमारे पास होता है किसका, अल्काइन्स का। अल्काइन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, और इसके अंदर जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जो चीज़ याद रखनी है किसके केस में, अल्काइन्स के केस में, ये कि ये ट्रिपल बॉन्ड जो है, ये आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको, ये स्ट्रक्चर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करता है, कौन, अल्काइन। ओके, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, दीज आर एरीन्स, ये आपके सामने लिखा हुआ है एरीन्स, लेट मी फिक्स इट। ओके, दिस इज़ एरीन्स। एरीन्स का मतलब, अच्छा याद रखिएगा कि व्हाट आर एरीन्स, एक्चुअली एरीन्स का मतलब बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग, दिस इज़ बेंजीन रिंग, ये होता है एरीन्स का मतलब। तो ए आर का मतलब क्या, अराइल, ए आर का मतलब क्या है, अराइल, और इसके साथ अगर एक एच लग गया तो इसको हम बेंजीन कहेंगे। इसके अंदर डबल ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, इसका फार्मूला हमारे पास, अगर मैं एच के साथ लगाऊं, सिर्फ अराइल का फार्मूला C6H5 होगा, ए आर का फार्मूला क्या होगा, C6H5, और अगर इसके साथ एक एच भी लगा दें, हम एक एच भी लगा दें अगर एराइल के साथ, एराइल का फार्मूला क्या है, C6H5, और अगर हम एक एच भी लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये C6H6, यानी कि बेंजीन रिंग, सिंपल। तो ये आपके पास है, ठीक है, अगर हम इसका वो देख लें, इसके मैं आपको सामने दिखाती हूँ, ये देखिए ये बेंजीन रिंग। अच्छा, मैंने इसको आपको यूँ बनाया है, बना के दिखाया है, तो डोंट यू वरी, सेम बात है। अगर मैं इसको ऐसे, ये आगे हम पढ़ेंगे कि वो मैंने सर्कुलर क्यों बनाया था, बिकॉज़ ये जो डबल बॉन्ड मैंने शो किए हैं ना, ये कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा जैसे पंखा अगर मूव करता है तो आपको बिल्कुल सर्कुलर नज़र आता है, इसी तरह जो मैंने एक शेप ये बनाई थी, तो ये डबल बॉन्ड की मूवमेंट की वजह से कि वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं तो वो सर्कुलर नज़र आता है, बस ये रीज़न है। ठीक है, सो दिस इज़ आर फोर्थ फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम लोग एरीन्स कह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ अल्काइल हैलाइड, ये आपके सामने है। अल्काइल हैलाइड्स के अंदर केस में क्या होगा कि आपके पास यहाँ पर ये देखिए आर एक्स का मतलब अल्काइल, अल्काइल का मतलब क्या होगा, आर, याद रखिएगा, जहाँ अल्काइल आ जाए उसका मतलब आर है, आर का मतलब जो भी आपसे आर की बात कर रहे हैं, आपसे मिथाइल कह रहे हैं, आपसे इथाइल कह रहे हैं, आर की जगह कोई नाम होगा, अल्काइल की जगह कोई नाम लेंगे, इथाइल लेंगे, प्रोपाइल लेंगे, आपने बस उसका फार्मूला लिखना है। और हैलाइड, हैलाइड का मतलब हैलोजेंस, तो हैलोजेंस का रिप्रेजेंटेशन सिंबल होता है एक्स, ये है। ठीक है, अब आप इसके सामने अगर आप देखते हो तो ये देखिए, मुझे यकीन है कि आप लोग इसका फार्मूला आराम से बता दोगे कि ये किस चीज़ का फार्मूला है, CH3CH2Cl, कंबाइंड काउंट करेंगे, कार्बन कितने, दो, हाइड्रोजन कितने, पाँच, कार्बन कितने हुए, टू, हाइड्रोजन कितने हुए, फाइव, तो फार्मूला क्या बना, C2H5, इथेन से दो कार्बन वाला इथेन होता है, तो इथेन का एक एच निकाल दोगे तो क्या बचेगा पीछे, इथाइल, सो दिस इज़ इथाइल क्लोराइड, होप यू आर गेटिंग इट। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, इट इज़ एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड अगेन एज वी हैव सीन इट हियर, ये एराइल क्या होता है, बेंजीन रिंग C6H5, उसके साथ अगर हैलोजन आ जाए तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं, ये देखिए यहाँ आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर है, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हैलोजन अटैच हो गया तो ये हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं अल्कोहल्स, अल्कोहल्स का फार्मूला आपके सामने ये है, आर के साथ
OH. अच्छा, R इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और R के साथ ही सारी चीज़ें लग रही हैं. R के साथ OH लग गया अल्कोहल, R के साथ X लग गया अल्काइल हैलाइड, और यहाँ बेंजीन रिंग के साथ अगर हैलाइड लग गया तो एराइल हैलाइड्स हो गया. अब यहाँ पर देखें नीचे फिनोल, मुझे गेस कर रही हूँ मैं कि ये फिनोल वाला फार्मूला आपको समझ में आ रहा होगा. AROH का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेंजीन रिंग के ऊपर आपने क्या लगा देना है. सॉरी ये सर्कल मेरा थोड़ा सा ख़राब हो गया, बट होप यू विल अंडरस्टैंड कि ये स्क्रीन के ऊपर जो है वो थोड़ा सा लिखना मुझे प्रॉब्लम लगता है. सो ये बेंजीन रिंग सिंगल बॉन्ड है बेटा, ये सिंगल बॉन्ड है जो मैंने बहुत बना दिया है, मैं दोबारा बना के दिखाती हूँ आपको. ये हो गया एराइल रिंग, और इसके ऊपर अगर हम OH लगा दें, ठीक है, तो OH लगा देंगे तो आपके पास ये हो जाएगा. अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है? ईथर्स. ईथर्स का ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है. ईथर्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हुई? ये ईथर्स हैं, और ईथर्स इनके सामने अगर हम इसका फार्मूला भी देख लें, इसके सामने हम इसका फार्मूला जो देख रहे हैं ये आपके सामने आ रहा है ये, ठीक है. अच्छा बेटा, इनकी एग्जांपल्स अभी हम मैं एग्जांपल्स के ऊपर इतना फोकस नहीं कर रही हूँ, ठीक है. मैं आपको इनके नाम बता रही हूँ, और साथ में इनकी जनरल रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ, और साथ में जनरल फार्मूलाज जिस जिस के आ रहे हैं मैं उसके जनरल फार्मूला बता रही हूँ. एग्जांपल्स इसलिए नहीं बता रही हूँ बिकॉज हमने डिटेल में फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ने हैं, डिटेल में इनको डिस्कस करना है, तो उस वक्त हमारे पास ये चीज़ें हमें उस वक्त एग्जांपल्स हमें उस वक्त बेतहाशा आनी है. इस वक्त इस सारी चीज़ों को एक साथ स्टार्ट नहीं करना चाहती बिकॉज डेफिनेटली इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू. बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करना मकसद है. अच्छा, तो इसलिए मैं एग्जांपल्स की साइड सोच रही हूँ कि मैं ना जाऊँ. वेयर इज़ माय ओके जी. नाउ इन द वी वर एट ईथर्स, नाउ वी हैव एल्डिहाइड्स. अच्छा जी, एल्डिहाइड्स की जब हम बात करेंगे, ये रहे आपके एल्डिहाइड्स. एल्डिहाइड्स की बात करेंगे, एल्डिहाइड्स का मतलब क्या है? दिस इज़ एल्डिहाइड. अब गौर से सुनिएगा, ये जो आपके सामने आ रही है ना, कितनी, ये जो आपके सामने आ रहे हैं 1, 2, 3, 4 ये चीज़, दिस इज़ दिस वन एल्डिहाइड, दिस इज़ कीटोन, दिस इज़ कार्बोक्सैलिक एसिड, एंड दिस वन ईस्टर. इन चारों के अंदर एक चीज़ मस्ट है, और वो चीज़ मस्ट क्या है? वो चीज़ है आपके पास ये, दिस इज़ नोन एज कार्बोनाइल इन दीज फोर. विच वन? वी हैव एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सैलिक एसिड एंड ईस्टर्स. इन ऑल दीज फोर वी मस्ट हैव कार्बोनाइल रिंग. दिस इज़ नोन एज कार्बोनाइल. कार्बोनाइल मीन्स कार्बन इज बॉन्डेड विद द ऑक्सीजन डायरेक्टली. ओके, बट वॉट वी हैव स्टडीड दैट कार्बन वैलेंसी, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज फोर. सो डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी समथिंग अटैच विद दिस कार्बन. एंड वैन वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट वन एल्डिहाइड, तो अच्छा आपके सामने इसका फार्मूला जो है वो RCHO लिखा हुआ है, ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा. तो मैं आपको सिंपल करके बता रही हूँ, आप इसको नहीं, आप इसे देखें जो मैं आपको बता रही हूँ. आपने कार्बन के साथ इन सारी बाकी सारी चीज़ों को कार्बन के साथ लगाना है, यानी कि एक तरफ कार्बन के R लगा देना है, O मैं लगा चुकी हूँ, तो बचा क्या? H, ठीक है. अब यहाँ पर ज़रूरी क्या है एल्डिहाइड्स के केस में? एल्डिहाइड्स के केस में आपके पास ये मस्ट है, ये ज़रूर होना चाहिए. कौन? COH. इस साइड जो बचा हुआ ये वाली साइड है, ये जो आपके पास R है, यहाँ R भी हो सकता है और यहाँ हमारे पास H भी हो सकता है. ये मैंडेटरी नहीं है, इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है, बट इस साइड ये जो आपके पास ये है ये मस्ट है. ये किस चीज़ का सिंबल है? किस चीज़ का सिंबल है? एल्डिहाइड का सिंबल है, ठीक है. जनरल रिप्रेजेंटेशन है, मस्ट है कार्बन के साथ O और H लगा हुआ होना, और इसी तरह लगा हुआ होना जिस तरह मैंने लगाया है. वरना कार्बन के साथ OH अल्कोहल के केस में भी लगता है, लेकिन वो OH एक साथ लगता है. यहाँ O अलग लगा है, H अलग लगा है, ये एल्डिहाइड का सिंबल है. ओके, नाउ कम टू कीटोन्स. कीटोन्स के केस में क्या होगा जनाब? कीटोन्स के केस में एज आई सेड आपके पास ये चीज़ होना मस्ट है, कार्बोनाइल रिंग होना मस्ट है, और कार्बन की यहाँ दोनों साइड भी जाहिर है कुछ ना कुछ होगा. तो कीटोन्स के अगर मैं यहाँ पर R लगा दूँ और यहाँ पर भी H की जगह R लगा दूँ, जो हमने पहले एग्जांपल देखी उसमें H था, इधर मैं R लगा दूँ दोनों साइड, यानी कार्बन की वैलेंसी बोथ साइड किससे सेटिस्फाई हो रही है? R से हो रही है, तो इट मीन्स के इट इज़ कीटोन.
अच्छा ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है, आपकी बुक में इनकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप खोलेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, किस चीज़ की जनरल रिप्रेजेंटेशन है? कीटोन्स की। नाउ कम टू कार्बोक्सैलिक एसिड्स। कार्बोक्सैलिक एसिड्स के केस में क्या होगा? दिस इज मस्ट, ठीक। और यहाँ और यहाँ अब चेंज करेंगे, चेंज क्या करेंगे जनाब? चेंज होगा यहाँ पर ओ एच, ये चीज़ होना मस्ट है। किस केस में? कार्बोक्सैलिक के केस में। और यहाँ हम क्या लगाएंगे? यहाँ आपकी मर्जी है, एच लगाइए, आर लगाइए, दोनों चीज़ें चलेंगी। लेकिन कार्बोक्सैलिक एसिड्स मैं फिर बना के दिखाती हूँ, माइट बी गेटिंग सम प्रॉब्लम। ये देखें, यहाँ पर सी ओ ओ एच, और इस साइड आपकी मर्जी है वेदर यू कैन प्लेस एच और आर। दिस इज़ कार्बोक्सैलिक एसिड। नाउ कम टू ईस्टर। नाउ द ईस्टर्स इज, ये आपके पास आर सी ओ, और यहाँ एच और आर दोनों आ सकते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर यहाँ ओ के साथ, यहाँ ओ के साथ ओ मस्ट है, सी ओ ओ के साथ आर लगाएं या एच लगाएं, ये आपकी मर्जी है। मर्जी तो नहीं है, लाइक जिसका हमें कहा गया होगा हम वही करेंगे, लेकिन ये है आपके सामने जो मैंने दिखाया है कि कार्बोनाइल जो है ईस्टर्स के केस में, ये केस बता रही हूँ, कार्बोनाइल के इस साइड पर और इस साइड पे क्या लगना मस्ट है? इस साइड ओ होना ज़रूरी है, बाकी ओ के साथ आर लगा दो, इधर भी कार्बन के साथ आर लगा दो, दोनों चलेंगे। दोनों साइड इधर ओ के साथ एच लगा दो, इधर कार्बन के साथ एच लगा दो, दोनों चलेंगे, ठीक है। एक या एच लगाओ या आर लगाओ, वरना कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ ईस्टर। इसके बाद अमाइड्स क्या होते हैं? अमाइड्स का मतलब ये है कार्बोनाइल, और कार्बोनाइल के साथ आपके पास इस साइड आर, ठीक है, ये ज़रूरी है। और इस साइड, यहाँ पे कार्बन की इस साइड पर आपके पास कौन सी चीज़? अमाइड्स। अमाइड्स के अंदर क्या होगा? एन, एन के साथ एच और इसके साथ आर, ठीक है। ये आपके सामने बनाया हुआ है स्ट्रक्चर इस तरह से, तो ये होगा आपके पास अमाइड्स। फिर आते हैं अमाइंस। अमाइंस बहुत सिंपल से होते हैं, अल्काइल रेडिकल के साथ सिंपल। अगर आप यहाँ पर भी देखते हैं तो ये क्या है? आर के साथ आपके पास कौन लगा हुआ है? NH2। आर के साथ NH2 लगा सकते हो, आर के साथ NH लगा के, बिकॉज नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है आपके पास, सॉरी यहाँ मैंने लगाया नहीं, नाइट्रोजन की वैलेंसी होनी चाहिए 3। आपने बस ये याद रखना है, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है जनाब? नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3। अगर एक आर है तो दो एच होंगे, यहाँ एच होगा, यहाँ एच होगा। अगर दो एच हैं, जैसे कि यहाँ पर आप केसेस देखते हो, एन के साथ, अगर यहाँ पर मैं इसको बताती हूँ ये क्या है, आर एन, और अगर मैं यहाँ एच लगा दूँ तो यहाँ क्या लगाऊँगी? आर, सिंपल, ये वाला केस आ गया। और अगर तीनों से, अगर मैं इस एच को भी हटा दूँ तो यहाँ मैं क्या लगा सकती हूँ? सिंपल, आई कैन राइट इट हेयर, आर, सही है। तो ये इसके नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स का मतलब क्या है? नाइट्राइल्स का मतलब ये होता है कार्बन के साथ एन, कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 3, और इस साइड पे क्या आना चाहिए? आर। ये क्या है? नाइट्राइल्स। नाइट्रो कंपाउंड्स क्या हैं जनाब? नाइट्रो कंपाउंड्स नाम से ही समझ में आ रहा है, ये मैं नहीं बताऊँगी, अब ये आप खुद सोचेंगे। अराइल, ए आर, और उसके साथ उसके ऊपर क्या लगा होगा? एन ओ टू। लेट मी शो यू द एग्जाम्पल, हेयर इट इज, यू कैन सी, ठीक है। सो दिस इज़ फंक्शनल ग्रुप्स के आपके पास वो हैं। आई विल सजेस्ट यू टू मेक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ऑल दीज फंक्शनल ग्रुप्स, बिकॉज दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ क्रैमिंग, कह लो के फार्मूलाज हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन हैं आपके पास, जिनको आपने याद करना है, ठीक है। क्यों याद करना है? बिकॉज आगे हमारे बहुत काम आने वाली हैं, एंड इट्स अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। अच्छा जी, अब आ जाएँ, यहाँ तक तो यही है। उसके बाद कुछ आपके पास, यहाँ मैंने कुछ ब्लैंक स्लाइड्स रखी थी ताकि मैं आपको एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करवाऊँ, वो मैंने वहीं रख कर दी हैं। अब आ जाएँ कुछ सल्फोनिक, सल्फ़र के हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उनको देखेंगे। इट इज़ अगेन सल्फाइड। अच्छा, सल्फ़र यहाँ पर, इधर ही मैं बता देती हूँ, इधर बना हुआ है आपके पास, ये देखिए सल्फ़र। सल्फ़र की अगर दोनों वैलेंसीज आर से सेटिस्फाई हो रही हैं, सल्फ़र की दोनों साइड अगर आर लगा हुआ है, अच्छा वैसे सल्फ़र की वैलेंसीज काफ़ी होती हैं, लेकिन इस केस में सल्फाइड एस माइनस टू है, अगर दो उसने दो अपने साथ आर को अटैच किया हुआ है, तो ये सल्फाइड, ये होगा सल्फाइड। सल्फोन्स क्या होते हैं? ये लुक एट दिस, इन विच एस
is having how many moles, like two valencies are satisfied with the hydrogen and four of them, sulfur ki valency actually six hoti hai because it belong from the six group, to iski minus two valency six nahi hoti, iska group member six hota hai aur valency iski minus two hoti hai, to is case mein agar hum dekhte hain sulfur, to sulfur छह bond bana raha hai, to do oxygen ke saath aur do R ke saath, to isko hum kya kehte hain, inko hum kehte hain sulfones, ठीक है, और ये सल्फोनाइल ग्रुप है। इसके बाद सल्फोनिक एसिड, हर किसी को पता होना चाहिए सल्फोनिक एसिड क्या है। सल्फोनिक एसिड होता है SO3H, मैं यहाँ कहाँ लिखूँ, मैं यहाँ थोड़ा सा लिख के दिखा देती हूँ, SO3H, ठीक है, SO3H को वो कहते हैं हम लोग सल्फोनिक, और S ही है, S की सिक्स वैलेंसीज ही हैं, लेकिन देखिए सेटिस्फाई कैसे हो रही है। डिफ्रेंसीशन बेटा आपने याद करनी है, सल्फोन्स के अंदर क्या है, सल्फोनिक एसिड में क्या है, सल्फोक्साइड में क्या है, सल्फोक्साइड में आपके पास क्या है, हेयर वी हैव SO ग्रुप एंड बोथ द रेस्ट ऑफ द टू वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड विद द R। अच्छा, डोंट गेट कन्फ्यूज दैट समवेयर वी आर राइटिंग सल्फर अबाउट द सिक्स विद द सिक्स बॉन्ड, समवेयर वी आर राइटिंग इट विद द टू, बिकॉज सल्फर मैक्सिमम it can form 12 bonds, so it can vary, depends upon the functional group or the atom through which it is attached, so it can vary, ठीक है, so don't you worried, but yeah, ये याद रखना है कि सल्फोक्साइड के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ आपके पास ये सल्फोक्साइड का फॉर्मूला है, जनरल रिप्रेजेंटेशन है, ये सल्फोनिक एसिड की है, ये सल्फोन्स की है, ये आपने याद रखना है, और लास्ट में आपके पास आ रहा है थायोल्स, थायोल्स के अंदर आर एस एच होता है, एस की वैलेंसी एक तरफ आर से और एक तरफ एस से सेटिस्फाई होती है, इनको हम मरकेप्टो सल्फोनाइल भी कहते हैं, बट दैट्स नॉट वॉट आई हैव टॉट यू, मैंने आपको इतना बताया है, इतना बताया हुआ है, आगे वाली बेटा असल में आ रही हैं एग्जाम्पल्स, विच आई डोंट थिंक कि मैं इन एग्जाम्पल्स को अभी छेड़ूँ और इन एग्जाम्पल्स को समझाऊँ, आप लोगों को इतना असाइनमेंट दे रही हूँ कि मेक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ऑल दीज फंक्शनल ग्रुप्स बिकॉज इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आज तक के लिए इतना थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ी सी और चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ, क्विक क्विज आ रहा है आपके पास, क्विक क्विज में आपके पास स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ फर्स्ट फाइव मेंबर्स ऑफ अल्काइल एंड अल्काइंस के लिखा हुआ है, बट आई विल सजेस्ट के राइट ऑल द जनरल फार्मूलाज, ऑल नॉट जनरल फार्मूलाज, जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल फार्मूला आप उनके लिख लें जिनके लिखे हुए हैं, और जनरल रिप्रेजेंटेशन आप सबकी लिखें, ठीक है, जनरल रिप्रेजेंटेशन वही है, जैसे आर के साथ आर एच हो गया तो अल्केन हो गया, और आर के साथ अगर एक्स आ गया तो अल्काइल हैलाइड है, और आर के साथ अगर ओ एच आ जाता है तो अल्कोहल है, ये होती है जनरल रिप्रेजेंटेशन, मैं ये कह रही हूँ सबकी प्रैक्टिस करो जितना मैंने बताया। एंड लास्ट सेकेंड क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं विच एफ जी इज़ फंक्शनल, एफ जी स्टैंड फॉर फंक्शनल ग्रुप, विच फंक्शनल ग्रुप इज़ प्रेजेंट इन एल्डिहाइड, ईस्टर, ईथर, सल्फोक्साइड एंड अमाइड, यू मस्ट नो एज आई टोल्ड यू कार्बोनाइल ग्रुप इज़ मस्ट। उसके बाद एल्डिहाइड में कौन सी ऐसी चीज़ मैंने बताई है जो मस्ट होगी, ईस्टर्स में नहीं होगी, ईथर में नहीं होगी, एल्डिहाइड में अकेले में होगी, देर इज़ अ बिट डिफरेंस इन ऑल दीज थिंग्स, बुक खोलिए, बुक से प्रैक्टिस कीजिए, होपफुली यू विल अंडरस्टैंड इट, ओके। अभी मैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, आई एम शेयरिंग अ वीडियो ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज इट्स अ प्रैक्टिकल, एक्चुअली इट्स अ प्रैक्टिकल बेस्ड, लाइक वी आर नॉट राइट नाउ डूइंग अ प्रैक्टिकल्स, बट आई एम गोइंग टू शो यू आर प्रैक्टिकल वीडियो ऑफ दिस एलिमेंट्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अंदर हमारे पास कुछ फ्यू एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड मेटल, इनकी हम डिटेक्शन करते हैं लैब में, तो उनकी मैं वीडियो दिखा रही हूँ कल इंशाल्लाह, मैं आप लोगों को इनकी इक्वेशंस के साथ इनकी जो है मैं आपको आगे शो करवा देती हूँ। आगे हमारे पास कुछ इक्वेशंस आ रही हैं कि हाउ वी डिटेक्ट व्हाट केमिकल रिएक्शंस एक्चुअली टेक प्लेस इन कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑल दैट, सो डेफिनेटली वी विल स्टडी इट कि इक्वेशंस कैसे बनाई जाती हैं, बट मेन एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हाउ दिस प्रैक्टिकल वर्क्स एंड हाउ दिस हैपन्स, ये इंपॉर्टेंट है, तो आई एम गोइंग टू शेयर अ वीडियो विद यू। आज तक के लिए इतना ही है, आप लोगों को मैं फिर रिपीट कर देती हूँ हमने आज क्या पढ़ा है, हमने ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स और इनके जनरल रिप्रेजेंटेशंस हम लोगों ने देखी हैं, ये आपके पास आ रहे थे, वी जस्ट स्टार्टेड विद द अल्काइंस एंड देन वी डिस्कस एरीन्स, एल्डिहाइड, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, फिनोल, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, ईस्टर्स एंड अमाइड्स वगैरह। सो आज तक के लिए इतना काफ़ी है, अपना ख्याल रखिए और मुझे बताइएगा, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे ज़रूर पूछिए, आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।